नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पूनम शर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के शो में। दर्शकों, आज हमारे शो के माध्यम से मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक ऐसे खास मेहमान से जिनकी लिखी हुई और डायरेक्ट की हुई बॉलीवुड फिल्म्स को दर्शकों ने हमेशा से ही खूब सराहा है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ वेरी पॉपुलर एंड एडमायर राइटर एंड डायरेक्टर अनीस बस्मी जी की, जो आज हमारे साथ अपनी बॉलीवुड जर्नी से जुड़ी हुई विशेष यादें साझा करेंगे। तो चलिए हम भी मिलते हैं अनीस जी से और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो यही है कि आपने 90 के दशक में भी बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स को लिखा है, तो उस समय फिल्म राइटिंग वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, कैसा रहता था, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, राइटिंग इज ऑलवेज मतलब बड़ा ही चैलेंज रहा है, चाहे वो 90s हो या 2022 हो या अभी 2050 हो या उसके पहले। राइटिंग आई थिंक इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब एंड बड़ा आइसोलेशन का काम होता है, इसलिए कि बाकी आप जो है एक मेले में रहते हैं, बहुत लोगों के बीच रहते हैं, आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आप अपना काम कर। राइटिंग के लिए कि एक कमरा है और अकेले आप बैठे हुए हैं, उसके लिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है और कुछ नहीं है आपके पास अलावा एक पेन के और कुछ पेपर्स के। आजकल ठीक है लैपटॉप होता है तो, लेकिन वो जो पेपर, जो वाइट पेपर होता है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा डरावनी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए कि वो ऐसा लगता है कि कैसे स्टार्ट करें। तो राइटिंग ऑलवेज बहुत चैलेंजिंग रहा है और हमेशा से मुझे लगता है कि राइटिंग जो है वो एक बहुत टफ जॉब है। जी, और सर अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो एज अ डायरेक्टर आपकी जो फर्स्ट फिल्म थी हलचल, जी, तो उसकी जो शूटिंग का जो फर्स्ट डे है, क्या आपको वो अभी तक याद है या फिर उससे जुड़ी हुई कुछ यादें अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो। यह उस दिन का पहला सीन हम लोगों ने पता नहीं कब शूट की थी पिक्चर, उसकी थी हमेशा 7 बंगलों में कहीं शूट कर रहे थे विथ काजल एंड अनुपम खेर साहब और ये सब लोग थे एंड अच्छा खासा रहा था। मतलब मुझे सब ने कहा था कि फर्स्ट डे बड़ा टफ होता है और अब पहली बार डायरेक्शन करने जा रहे हैं ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने ये बहुत चीज़ें सोच के रखी थी कि अरे क्या होगा कैसे होगा, बट वो मुझे एहसास ही नहीं हुआ और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये मेरा पहला दिन है। मैं बिल्कुल, मुझे शूटिंग ख़त्म होने के बाद एहसास हुआ आज मेरा ये फर्स्ट डे था, तो मुझे ऐसा, उसके पहले मैंने एक शूट किया था, एक जगह मैं राइटर था, वो फिल्म मुझे याद नहीं, उसमें एक्टर थे अनिल कपूर साहब जी और डायरेक्टर साहब जो हमारे थे उनकी कुछ तबियत ठीक नहीं थी, वो इन हॉस्पिटल एंड प्रोड्यूसर ने काफ़ी लोगों की डेटें ले रखी थी, वो फिल्म का शूट करना ज़रूरी था, तो उन्होंने जो है किसी तरह कन्विंस किया डायरेक्टर को गया प्लीज़ कुछ करो, तो उन्होंने कहा कि अगर अनीस शूट करेगा तो आई ललाओ। ओके, तो प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा कि अनीस अपना आप कर लो शूटिंग, तो मैं बोला ठीक है। तो एक दिन की शूटिंग थी, उसमें कुछ विलन्स थे 7-8-10 लोग एंड अनिल कपूर जी थे और मैंने शूट किया था। तो वो शूट ख़त्म होने के बाद अनिल जी, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम जो अनिल जी ने मुझे कहा कि यार अनीस ज़िंदगी में जब भी कोई फिल्म बनाओगे ना उसमें मुझे ज़रूर लेना। तो वो एक बहुत ही इंकरेजिंग डायलॉग था, इसलिए कि आपने ज़िंदगी का पहला दिन एज ए डायरेक्टर, वो भी किसी और फिल्म का, एक ही सीन कर रहे हैं आप और वो काम आपको इतना लोगों को पसंद आता है। मुझे वो जो सारे विलन्स थे हमारे, किरण कुमार साहब और मोनिश बहल, ये सारे लोग थे, उनके साथ मैंने आगे भी बहुत काम किया, बट उन्होंने वो जो पहले ही दिन मुझे जिस तरह वो खुशी का एहसास हुआ वो बहुत बड़ा एहसास था एंड मुझे अंदर से ये लगा कि भाई मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। मैंने बड़े अच्छी तरह से सीन शूट किया था और वो सीन जो है वो शूटिंग पे करके जब मैंने एडिट वेडिट किया और उसके बाद जब फिल्म के अंदर आया तो वो बड़ा प्यारा खूबसूरत सीन था, तो वो देख के एक प्राउड फील हुआ कि हाँ ये अच्छा हुआ है। पहले दिन ऐसा मुझे मेरी जो शूटिंग एज ए डायरेक्टर की ऐसा कुछ उसमें मुझे परेशानी टेंशन एहसास नर्वसनेस ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज भी पहला दिन मुझे बड़ा भारी पड़ता है क्योंकि आप एक सुर पकड़ रहे होते हैं। तो वो फर्स्ट डे की शूटिंग, मुझे शूटिंग पर शायद इतनी तकलीफ नहीं होती, मैं कर लेता हूँ, उसके पहले प्रिपेयर होने के लिए कि मैं कोई फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूँ और मैं कैसे करूँगा पहला दिन ये क्या, तो वो जो नर्वसनेस और वो जो घबराहट और वो जो भी चीज़ आप कह सकते हैं वो एग्जैक्टली मुझे आज से पता नहीं बहुत पहले, पहली फिल्म में भी थी और वो बीच में भी रही और मुझे लगता है वो आज भी, दैट फर्स्ट डे की शूटिंग जो है वो हमेशा मुझे इस तरह का एहसास होता है कि मैं पहली
कोई फिल्म बनाने जा रहा हूँ और ये मेरी जिंदगी का पहला दिन है। जी बिल्कुल। सर एक और चीज़ आपसे पूछना चाहते हो, जैसे कि हम जानते भी हैं कि राइटिंग एंड डायरेक्टिंग कॉमेडी इज रियली डिफिकल्ट, तो इस डिफिकल्ट टास्क के लिए आप खुद को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, क्या कुछ तैयारियां आप करते हैं फिल्म से पहले, तो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं कोई खास तैयारियां नहीं होती, बस ये है कि मैं आपको बताऊँ कि आई एम वेरी वेरी इमोशनल पर्सन जी, तो जब मैं फिल्में भी देखता हूँ घर पे, कोई भी छोटी मोटी पिक्चर है कुछ भी, अगर वो इमोशनल सीन चल रहा है तो मेरी बेटी मेरा बेटा सारे जो है वो टीवी से उनकी नज़र ऐसी जाएगी कि अभी पापा रोएंगे एंड okay. हाँ मेरी आंखों में आंसू रहते हैं। मैं जब फिल्में लिखता भी था तो आई शुड मतलब क्राई लॉट। एक दिन आई रिमेंबर मैं कुछ सीन लिख रहा था और कमरे में डेविड धवन जो है उनके साथ मैंने 13-14 फिल्म लिखी, तो शोला शबनम, बोला दा बोल, आँखें, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, आई डोंट रिमेंबर, मुझसे शादी करूँगी, बहुत फिल्में लिखी थी मैंने। तो वो एक दिन कमरे में आए तो मैं रो रहा था और ऐसे रो रहा था कि मेरी हिचकी बनी हुई थी ऐसे करके, तो वो डर क्या हुआ, नहीं क्या हुआ क्या हुआ, अरे मैं मतलब कुछ नहीं है सीन लिख रहा हूँ, अरे बोले इतना रो रहा है तू। तो मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, कॉमेडी के अंदर मैं बहुत ज़्यादा हंसता नहीं हूँ, मतलब लिखने के वक्त, शूट करने के टाइम में बहुत इंजॉय करता हूँ, बट लिखने के टाइम अगर मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी रहती है तो मुझे लगता है कि नहीं 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 दिस जोक विल वर्क। जी जी। और सर जैसे कि हम जानते हैं कि आपने मोस्टली सुपरस्टार्स के लिए फिल्म लिखी है, उनको डायरेक्ट भी किया है, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? हाँ वो चैलेंजिंग है, और वो भी ऐसे कि अगर आप एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें 6-7-8 सुपरस्टार्स हैं तो वो होता है जी, उनके सबकी अपनी एक थिंकिंग होती है, सबकी अपनी एक सोच होती है, उनका एक अपना अंदाज होता है काम करने का, उनके जो कम्फर्ट है डिसकम्फर्ट है सबके अलग होते हैं, उनकी ईगो प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बट मैंने तस्वीर मतलब मुझे लगता है भाई अगेन ऊपर वाला इस टाइम, तो मैंने बड़ी आसानी से फिल्में बनाई हैं और मुझे उतनी तकलीफें नहीं हुई है, एंड बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता नहीं हूँ कि मुझे बहुत कमाल काम आता है और ये फिल्म, बट जिस तरह मैं काम करता हूँ शायद एक्टर्स को ये पता लगता है कि ये बहुत ईमानदार है अपनी इस फिल्म के लिए, बहुत किसी को ये एक्स्ट्रा वो नहीं करेगा फेवरिज्म, वो फिल्म के लिए जो ज़रूरी होगा, फिल्म के लिए जो सही होगा, कैरेक्टर्स के लिए जो ज़रूरी होगा वो सिर्फ पिक्चर के लिए ही करेगा, और ये नहीं है कि मेरा कोई मैनिपुलेशन होगा और मैं बहुत सोच के समझ के बात करूँगा, मैं बहुत ईमानदारी से बहुत सिंपल तरीके से, और मैं कभी एक्टर्स को गलत नहीं सुनाता हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि चलो यार एक्टर को सुना देते हैं ताकि वो फिल्म कर ले, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए कि मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप अगर गलत सुनाते हैं उसके बाद सेट पर बहुत तकलीफ होती है, एंड जब वो पूछते हैं यार ये ऐसा बोला था ये क्या है, फिर मूड ख़राब होता है, और इट इज़ बेसिकली चीट करना, आई डोंट लाइक टू चीट एनीबडी, उनको फिल्म करनी है करें नहीं करनी है वो दुख की बात है, कुछ और मैं सोचूंगा, लेकिन मैं चीट नहीं करूंगा, जो सच्चाई है जो ईमानदारी से फिल्म लिखी है उनके लिए जो है वो लिखी, मैं क्लियर मेरे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं कि सर ये आपका सीन नहीं है इसमें आप ज़्यादा मत लीजिए, आप ऐसे खड़े रहिए जी, तो आई एम सो ऑनेस्ट, एंड एक्टर जो है मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। सिर्फ सीनियर टेली पर, अब वेब मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध